बारिश का मौसम लगने के बाद पुराने एवं जर्जर भवन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण रीवा और सागर जिले की घटना है। यहां दीवार गिरने के कारण दर्जन भर से ज्यादा लोगों की आकस्मिक मौत हो गई। इसके बाद रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में तकरीबन 200 ऐसे जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं, जिसमें मकान मालिकों को नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी की गई है। आज नगर निगम क्षेत्र के किला के समीप मछरिया गेट के पास 3 भवनों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है, जो काफी पुराने हैं और लोगों के लिए खतरा बने हुए थे। जोन प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि चिन्हित किए गए कुछ ऐसे मकान भी हैं जिनकी मरम्मत की जा सकती है। इसके लिए भी मकान मालिकों को सूचना चस्पा कर दी गई है। यदि बताए गए अवधि में ऐसे भवनों का सुधार नहीं कराया जाता तो उन्हें गिराने की कार्यवाही नगर निगम के द्वारा की जाएगी। चिन्हित किए गए भवनों में कई ऐसे भवन हैं जो सुधार योग्य नहीं हैं, जिन पर नगर निगम के द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है। जिले भर में की जा रही कार्यवाही के दौरान नगर निगम अमला सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मकान मालिकों को भी चेतावनी दी गई है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हैं, इन्हें सुधारने के लिए मकान मालिकों को चेतावनी दी गई है। यहाँ पे 3 हैं, 3 में 2 गिर चुके हैं, तीसरी कार्रवाई की जा रही है। जोन क्षेत्र में कुल 6 चिन्हित थे, 6 में से कल गिराया गया है, आज भी कार्रवाई जारी है। नहीं, पहले जो है तो जर्जर भवन और भयप्रद भवन गिराए जा रहे हैं, भयप्रद वाले, और जर्जर वाले जो सुधार कर रहे हैं उनको उनपे सुधार करके रहने योग्य बना रहे हैं वो लोग। यदि नहीं बनाते तो नगर निगम फिर उनको तोड़ेगा। हाँ, ये नोटिस दी गई। हाँ, आज यहाँ 3 की कार्रवाई, 3